दोस्तों, क्या आपको पता है एक गर्भ को माँ की गर्भाशय में बनने में कितना समय लगता है? एक गर्भ को माँ की गर्भाशय में बनने में पूरे 2 से 80 दिन 280 डेज 9 मंथ का समय लगता है। अब 9 मंथ तक माँ को अपना और अपने बेबी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। इस समय में माँ के मन में, माँ गर्भवती महिला के मन में ये प्रश्न रहता है कि उसे क्या खाना चाहिए कि बेबी को उसे पूरा पोषण मिलता रहे और उसकी जो है उसका उसे कोई नुकसान ना हो। तो इन दिनों में माँ को बताया जाता है कि उसे हरी सब्जियाँ और फलों का बहुत अधिक सेवन करना चाहिए, परंतु कुछ फल ऐसे होते हैं जो माँ को सेवन नहीं करने चाहिए। गर्भावस्था में कुछ फल जो होते हैं बहुत हानिकारक होते हैं। पपीता, अनानास, अंगूर और एलोवेरा का जूस, ये जो फल होते हैं माँ को गर्भावस्था में नहीं लेने चाहिए। इससे क्या होता है, कभी कभी माँ की गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है और उससे क्या होता है, गर्भाशय का मुख खुल जाता है और उसका जो गर्भ होता है, बेबी होता है, वो टाइम से पहले, 9 मंथ से पहले ही अब गर्भाशय से बाहर आ जाता है और क्या होता है, सेम मिसकैरेज हो जाता है। तो इस गर्भावस्था में माँ को ध्यान रखना है कि इन फलों का सेवन नहीं करना है। गर्भावस्था में आपको कुछ फलों का सेवन करना है जो आपके लिए लाभकारक होते हैं, उनसे आपको कोई नुकसान नहीं होता। केवी फल गर्भावस्था में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। केवी फल खाने से माँ को फोलिक एसिड मिलता है जिससे बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। चेरी फल भी आप इसमें ले सकते हैं। सेब, आम, अमरूद, नाशपाती, संतरा, चकोतरा, ये जो विटामिन सी के फल होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गर्भावस्था में। कभी कभी क्या होता है कि माँ को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की दिक्कत होने लगती है, तो आपको फाइबर युक्त फल खाने से, विटामिन सी वाले फल खाने से जिसमें फाइबर ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता है, उन्हें खाने से आपकी कब्ज की समस्या भी दूर हो जाती है और आपको आयरन तो बहुत अधिक इन फलों से मिलता है जिससे आपको एनीमिक, आपकी खून की कमी दूर होती है। तो आपको इन फलों का सेवन करना चाहिए। और एक बात और है, आपको फिजिकल केयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को फिजिकल केयर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस टाइम पर क्या होता है कि आपको लॉन्ग ट्रैवल, लंबा 9 से 10 घंटे का ट्रैवल या इससे भी अधिक ट्रैवल आपको नहीं करना चाहिए। इससे भी आपको मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको बहुत अधिक देर तक नहीं बैठना चाहिए और आपको बहुत अधिक देर तक खड़ा भी नहीं रहना चाहिए और आपको जो है इसमें गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से भी क्या होता है, आपका खून कम होता है, आप एनीमिक हो जाते हैं और आपको स्ट्रेस में चले जाते हैं जिससे क्या होता है, कभी कभी बीपी भी बढ़ जाता है और उसमें आपको और आपके गर्भ को परेशानी होती है। देखिए, गर्भावस्था में आपको फिजिकल केयर और खान पान की बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बहुत ही ज़्यादा जानने की आवश्यकता होती है। मैं उम्मीद करती हूँ गर्भवती महिलाओं को इन चीज़ों से बचना है और आपको आवश्यक जरूरी चीज़ें खानी है। हरी सब्जियाँ आपके लिए बहुत लाभकारी होती है, आप खा सकते हैं। नट्स आप खा सकते हैं, आपको अनाज की रोटी और आपके जो घर में कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं आप वो भी उनका सेवन भी कर सकते हैं, उनका सेवन आपके लिए लाभकारी होता है। बट पिस्ते का सेवन आपको कम मात्रा में करना है, उससे भी आपके गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो सकता है। और आपको जो है और भी चीज़ों का ध्यान रखना है। आप जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको नहीं खानी है। आपको अपने पूरे 9 महीने में अपने एक डॉक्टर्स की सलाह के अकॉर्डिंग ही खान पान रखना है। जो आपका डॉक्टर आपसे बताता है आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपना खाना खाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको रूटीन चेकअप में रहना है। आप अपने डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही खाना खाएं, अकॉर्डिंग ही मेडिसिन लें और उन्हें अपने गर्भ की जानकारी के लिए उनके पास जाते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो कुछ फ़ायदेमंद लगी होगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।